देशभर में 10वीं और 12वीं के छात्र बोर्ड रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई राज्यों में रिजल्ट जारी हो चुके हैं। अब इस कड़ी में छत्तीसगढ़ बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं के छात्रों का बोर्ड रिजल्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजे घोषित किए हैं। 10वीं और 12वीं के छात्र cgbsc.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड की ओर से अन्य वेबसाइट के लिंक भी जारी किए गए हैं, जिन पर जाकर छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इनमें results.cg.nic.in, cg.nic.in शामिल है। स्टूडेंट्स रोल नंबर और अपनी डिटेल्स डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा जिन छात्रों को अपना रोल नंबर याद नहीं है, वे अपना एडमिट कार्ड अपने पास रख लें। रिजल्ट देखते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें और सही रोल नंबर दर्ज करें। छत्तीसगढ़ की बोर्ड परीक्षा में इस साल भी लड़कियों ने बाजी मारी है। पिछले साल भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं में लड़कों से अधिक लड़कियां पास हुई थी। छत्तीसगढ़ में इस साल 10वीं में सिमरन बब्बा ने 597 नंबर लाकर टॉप किया है। वहीं 12वीं की परीक्षा में महक अग्रवाल ने टॉप किया है। 12वीं में 34% छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। वहीं 10वीं में 75.64 छात्र पास हुए हैं। आपको बता दें कि इस साल 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 2 मार्च से 24 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन 1 से 31 मार्च तक किया गया था। दोनों कक्षाओं के कुल 7 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 12वीं से 4 लाख और 10वीं के करीब 3 लाख छात्र शामिल हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड के छात्र अगर अपनी मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट cgbsc.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर स्टूडेंट कॉर्नर सेक्शन के तहत परीक्षा परिणाम 2024 पर क्लिक करना होगा। फिर CGBSE हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 2024 या फिर CGBSE हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 2024 या CGBSE हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम 2024 पर क्लिक करना होगा। अब आपको मुख्य परीक्षा ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना रोल नंबर डालें और कैप्चा कोड भरें। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें और बोर्ड परीक्षा का परिणाम आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल 10 मई को CG बोर्ड रिजल्ट घोषित हुआ था। 12वीं का रिजल्ट 79.96% रहा था, जबकि 10वीं का 75.5% रहा। 10वीं में राहुल यादव ने टॉप किया था और 12वीं में विधि ने 98.2% अंक के साथ टॉप किया था।